और ये ट्रेन चल पड़ी है और ये गंदी कौन। दोस्तों हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं, इसको थोड़ा सा डेवलप किया गया ये पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग आज मौजूद हैं हिल पार्क कराची में। हिल पार्क कराची की एक बहुत फेमस एक हिल स्टेशन है, एक हिल पॉइंट है, हिल स्टेशन भी कह सकते हैं क्योंकि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसको हिल पार्क कहा जाता है। बहुत सारे लोगों की जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और कराची से ताल्लुक़ नहीं भी रखते, उनको हिल पार्क के बारे में ज़रूर पता है। उन्होंने कभी ना कभी अपनी कोई ना कोई यहाँ पर मेमरीज़ किसी न किसी के साथ शेयर की होंगी। मेरी भी बहुत सारी बचपन की मेमरीज़ जो हैं वो हिल पार्क के साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत लोगों की डिमांड थी कि जी हिल पार्क की वीडियो बनाएं, क्योंकि जब भी मैं आता था, क्योंकि वो पीछे जो फन लैंड है उसके ना फैमिली अलाउ होती है हमेशा, तो मैंने बहुत बार सोचा कि इसकी एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि हमारी मैं बचपन में जब भी आता था यहाँ पे हम लोग खेला करते थे, तो मैंने कहा आज यहाँ की एक वीडियो बनाएं और कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स भी यहाँ के दिखाते हैं और अंदर चल के फनलैंड भी दिखाते हैं और रात में हिल पार्क कैसा लगता है, ये कितना अच्छा स्पॉट है और इस तरह के कितने अच्छे स्पॉट्स और होने चाहिए कराची के अंदर। तो ये एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग आज हिल पार्क आए हैं, तो चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आओ मेरे नाल। अच्छा जी, हम लोग अभी आ चुके हैं, ये फनलैंड का एरिया है और इसके बिल्कुल बाहर हम लोग आ चुके हैं और ये वो एरिया है। अभी इसको थोड़ा सा डेवलप किया गया है, ये पीछे हम लोग देख सकते हैं, ये सारा ये जो झूले वगैरह जो लगा दिए गए हैं, थोड़े आप स्लाइड वगैरह हैं, ये बेंचेस लगा दी गई हैं, ये मेरे ख्याल से वॉल्स की तरफ से लगाई हुई है, स्पॉन्सर्ड नहीं है लेकिन मैं फिर भी नाम ले लेता हूँ। ये बेंचेस यहाँ पर लगा दी गई हैं, अच्छा सा कलर वगैरह किया हुआ है। ये इतनी अच्छा स्पॉट है, इतनी अच्छी जगह है जहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत बड़ी लैंड है यहाँ पे, इतनी कंपनीज है दुनिया के अंदर यार, इतना पैसा है हम लोगों के पास कराची में, इतने लोगों का पैसा है कि यहाँ पे लगा के कोई अच्छा सा एक स्पॉट नहीं बना सकता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। जिस तरह वर्ल्ड डिज्नी बना हुआ है उतना ही बड़ी जगह है, ऑब्वियसली वर्ल्ड डिज्नी अमेरिका में जो है उसकी स्पेस बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी स्पेस भी इस टाइम हिल पार्क में मौजूद है उसके ऊपर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि करने वाले हैं नहीं तो इसलिए यहाँ पर काम होता नहीं है। अगर यही जगह मुझे यकीन है किसी अच्छी कंपनी के हाथ में दी जाए और उसको इसकी मेंटेनेंस और इसका ठेका वेका जो भी है वो दिया जाए, तो यह जगह बहुत अच्छी हो सकती है। वो पीछे आप लोग देख रहे हैं जो वो स्लाइड, बचपन में हम लोग वहाँ पे इंजॉय करते थे, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि एक होना चाहिए। अभी कैमरा बोलूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे लोग, फिर दोस्त ही होते हैं सारे हमारे कैमरे के पीछे, इसको वो नहीं, कैमरामैन का मतलब ये नहीं होता, वो हम ऐसी बात कर लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बंदा अपना नाम डिस्क्लोज़ करना चाह रहा होता, कोई नहीं चाह रहा होता, तो इस वजह से हम इस तरह से बोल देते हैं। बाकी उस बात की टेंशन नहीं लिया करें, लेकिन ये जगह आए इसको एक्सप्लोर करें जो नहीं आया, लेकिन बस एक थोड़ी सी अफसोस ये होता है कि इतना अच्छा स्पॉट है जिसको अच्छे हाथों में अभी तक नहीं दिया गया। कुछ जहाँ बीच में कोशिश की गई थी, ये बीच में बड़े अरसे बाद आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, कुछ काम हुआ था डेवलपमेंट का, लेकिन उसके बाद फिर अभी अगर वो जो जहाँ पे कुछ डक्स वगैरह रखी हुई है, जो छोटी सी एक आर्टिफिशियल एक लेक टाइप की बनाई हुई है, वहाँ भी जो पानी है वो बिल्कुल गंदा सा ही है,
उसमें जाके भी लोग वो मोमफलियाँ और वो फेंकते रहते हैं, लेकिन ये कि इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। मैं भी ड्रोन शॉट्स भी लूँगा और आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर अभी मैं फन लैंड में चलते हैं और वो भी दिखाते हैं, तो फिर आ जाओ। दोस्तों हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं फन लैंड के अंदर। डॉजिंग कार हैं बहुत सारे हैं, आपको अगर भाई दिखाएं कि वो देखें आप कितने सारी राइड्स हैं यहाँ से लेने के लिए, लेकिन ये सारे हमारे उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए भी हैं। और ये पीछे जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये जब भी हम आते हैं कई सालों से यहाँ पर है। भाई कितने सालों से है यहाँ पर? तकरीबन है 21 साल से है ना, जो यानी कि जो बच्चा होगा वो जवान हो गया होगा, लेकिन ट्रेन यहाँ से ना हिली। अच्छा, तो अभी 21 साल से लगी हुई है यहाँ पे और 21 साल से चली जा रही है और इसमें कोई इतना डर खतरा नहीं होता, लेकिन ऐसे ही लोग क्योंकि पैसे दिए होते हैं 100-100 रुपये एक टिकट के, तो यहाँ पे थोड़ा हु कर देते हैं और फिर उतर जाते हैं नीचे। तो अभी हम भी यहाँ चढ़ के थोड़ा हु करके उतर जाएंगे। आ जाओ। और ये ट्रेन चल पड़ी है और ये तो भाई हम लोग ट्रेन से उतर के नीचे आ गए हैं। काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पर हैं जो कि इंजॉय कर रहे हैं अपने तरीके से। तो अभी हम आप लोगों को यहाँ से अंदर लेके चलते हैं और आप लोगों को ये बच्चों के लिए एक प्ले एरिया है वो दिखाते हैं सारा। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखें जी, ये है बच्चों का वो प्ले एरिया जहाँ पर छोटे बच्चे आके 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल तक के बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए आप, ठीक है आपने, ये देखिए आप, पोपाया भी है, पोपाया दरअसल ये क्या पालक खाता था ना ये, हेलो भाई पालक खाता था ना ये, हाँ कह रहा है भी भाई, डायनासोर, पुरानी गाड़ियाँ, ये वो सब आपने जिसमें भी टोकन डाले इसमें, कब तो यहाँ कार्ड मिल जाता है उसमें आप बैलेंस चार्ज करवा लें और जितना भी इसमें 20 रुपये 30 रुपये होती है वो आप दे के यहाँ पर आप एंजॉय करते रहें। एक ये सेक्शन है और एक थोड़ा सा ये 3D 4D एक्सपीरियंस के लिए, इस तरीके यहाँ भी आप आ सकते हैं। ये काफ़ी बताया ग्लासेस वगैरह आपको पहना के
वर्चुअल वर्ल्ड में आपको ले जाते हैं। बाकी ये गेमिंग जोन है कि यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ खेले वेलें। ये भी ये एक छोटे बच्चों के लिए उन्होंने ये सेक्शन बनाया और बेहतरीन है। अभी आ जाएं, आपको हम बाहर दिखाते हैं चल के। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे कौन कौन सी राइड्स हैं आपको वो दिखाते हैं। अच्छा, अब हम आपको राइड दिखाएंगे कि यहाँ पे राइड्स कौन कौन सी होती हैं। शाम में ओपन हो जाता है और 7 days a week ये ओपन ही रहता है। आपको अगर यहाँ से आइसक्रीम खानी है, या कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी 150 रुपये की है, चाय 100 रुपये की है, आइसक्रीम भी 100 रुपये की है कप वाली, कोन बिस्किट आइसक्रीम जो है 50 रुपये वाली कोन भी है। भाई 50 रुपये वाली कोन और कॉर्नेटो बिस्किट कोन में क्या फ़र्क है? कोन का फ़र्क है। ये 50 रुपये वाली है, ये कॉर्नेटो बिस्किट वाली है। ठीक है जी, ये हो गया। आपको हम राइड दिखाते हैं। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर आएंगे। उसके बाद एक ये राइड है, क्या अलादीन राइड है। अलादीन का कारपेट का एक टच दिया हुआ है। एक ये है, उसके बाद एक ये राइड है। सामने वाले देख सकते हैं, ये तकरीबन क्लिफ्टन में हर जगह पे होती है राइड ये वाली। उसके बाद ये है सबसे जो ख़तरनाक राइड है यहाँ पे, वो ये वाली है। इसमें आप अगर खाना पीना खा के बैठ जाए ना, मगर दूध पी के बैठेंगे तो लस्सी बन जाएगी अंदर, ऐसी राइड है ये। हो गई 1, 2, 3 राइड। और ये हमारी बचपन में हर बच्चे ने ये राइड ज़रूर ली होती है। एक दफ़ा जैसे ही बच्चा यहाँ पे अंदर इंटर होता है, मामा मामा मुझे इस घोड़े पे तो बिठाओ। ये वो वाले घोड़े हैं। ये एक राइड हो गई। फिर वो सामने जंपिंग स्टार है, सामने एक वो राइड है। सामने एक टिकट्स आपने लेनी है तो सामने एक वो वाली जगह है, सामने एक वो कार है। फिर उसके बाद यहाँ पे कप्स हैं, चलने लगी है शायद। और अभी हम, अच्छा इस पर ही मुझे डर लगता है, मैं ही बैठा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा, मैंने इसका एक शॉट बनाया है। लेकिन ये भी अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा जो ये वाला आपको जो ये जो सर्कल है पूरा जो घूमता है, ये सबसे बड़ा ये राइट नाउ अभी US में है, लेकिन उससे भी बड़ा जो है वो अभी दुबई में बनने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ी ये जो राइड है पीछे, जो जो राउंड आपको ऊपर लेके जाती है फिर नीचे लेके आती है, कि दुनिया की सबसे बड़ी भी दुबई में लगने वाला है ये वाला। अभी लंदन में, आई थिंक लंदन में या US में है, दोनों में से किसी एक जगह पे। अच्छा दोस्तों, ये है डॉजिंग कार का एरिया। डॉजिंग कार की जो टिकट है वो 100 रुपये है। कोई भी अगर यहाँ पे आता है तो वीकेंड पे यहाँ पे ज़्यादा रश होता है, लेकिन नॉर्मल वीकडेज़ के अंदर जो है वो इतना रश यहाँ पे नहीं मिलता जैसे आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अब हम लोग अपनी इस वीडियो को यहाँ पे करेंगे एंड। तो अपना बहुत ख्याल रखिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।